सो हेलो गाइस, कैसा आप लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके जो मतलब बहुत बंदों को वो पता होगा, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में एक कंपैरिजन करने वाला हूँ, वो कंपैरिजन भी कुछ मतलब सिमिलर ही होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप जो उस कंपैरिजन को देखना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वो कंपैरिजन कौन से बंडल के बीच होने वाला है, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमारा बैनर का बंडल है जो हमें बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिला था, ठीक है। इस तरह के बंडल जो हमें कल मैक्स बंडल जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन डाला था कल वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें, जो मैक्स बंडल जो था उसके हेयर भी मतलब सेम ऐसी, और ये भी जो हमें ऐसी इवेंट में और सेम चीज़ में हमें देखने के लिए मिला था ये भी बंडल, वो बंडल भी बैनम वाला हमें सेम चीज़ में देखने के लिए मिला था। अगर गाइस क्या हो, अगर हम इन दोनों में से बात करें कि दोनों में से बेस्ट कौन है और दोनों में से हमें किस कौन सा कॉम्बिनेशन दोनों में से हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और दोनों में से बेस्ट कौन है और दोनों में से हमें कौन सा लेकर जो है खेलना चाहिए, कौन से जो हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, वीडियो होने वाली है यार बहुत ही ज्यादा मजेदार। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और बाजू में सब्सक्राइब का बटन भी है, और उसके बाजू में भी गाइस एक घंटे का बटन है उस पर जरूर सेट कर देना, ठीक है, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो यार चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं, ये जो गाइस हमारा जो हमें मैक्स बंडल जो हमें देखने के लिए मिला है, पहले हम इसको ऊपर जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि गाइस इसमें से सबसे पहली चीज़ जो है हम देख लेते हैं गाइस कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। तो कॉमन हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, कॉमन हमें कौन सी चीज़ हमें देखने के मिलती है। अब गाइस, अगर मैं आपको कॉमन के बारे में बताऊं तो मैं आपको बताता हूं गाइस कॉमन किसे कहते हैं। तो कॉमन उसे कहते हैं जैसे गाइस आपके पास एक कोई भी एक बंडल है, ठीक है, कोई भी एक बंडल है। अब उस बंडल में गाइस एक चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, तो उसके हेयर या फिर उसका मास या फिर उसकी पैंट या फिर उसके शूज़, ठीक है, एक चीज़ जो है उसकी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, वो अच्छा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है हमें सबसे पहले बंडल में देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही जो है हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ कि मैक्स बंडल में हमें कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन मिलती है, बढ़िया बनाती है इस बंडल को, ठीक है। तो गाइस, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हेयर के बारे में, तो गाइस इसके हेयर देख सकते हो, ठीक है, टू कॉपी हेयर है, ठीक है, फिर वैलेंटाइन डे वाला जो बंडल है टू कॉपी हेयर है। अब गाइस, अगर मैं अपनी तरफ से अपने ओपिनियन बताऊँ कि इनमें से कॉमन क्या है, तो मैं उसको हेयर को चुनूंगा, क्योंकि गाइस उसके बाद जैकेट को, उसके बाद पैंट को, फिर शूज़ को, ठीक है। तो मैं हेयर को क्यों चुनूंगा, क्योंकि गाइस आपको पता है देख सकते हो जो इसके हेयर वो कोबरा से मैच करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम। अगर मैं इसका यहाँ पर देख सकता हूँ मास्क जो है कोई अच्छा सा मास्क लगा दूँ तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो हेयर देख सकते हो यार इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आगे से जो मतलब भाई स्ट्रेट खड़े वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, ठीक है। तो कॉमन तो मैंने इसमें बता दिया, मेरे ओपिनियन से कॉमन तो इसमें हेयर है, अगर आपके ओपिनियन से जैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब पास ये मत पूछना कि गाइस कॉमन में MMM क्यों आता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो है गाइस मैंने इसके बारे में तो बता दिया इनमें से कॉमन क्या है, ठीक है, पहले हेयर, फिर शर्ट, फिर पैंट, फिर शूज़, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये मत पूछना कि भाई इसकी आंखों का जो कलर है वो भी बेस्ट है, ठीक है, तो वो तो बेस्ट है, या कोई सा भी कलर ले सकते हो, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हम खाली बंडल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उसकी आई ब्लू के बारे में, ठीक है। तो अभी हम बात करें जो हमारा वैनम का बंडल है, क्योंकि बिल्कुल हमें फ्री में देखने को मिला है, ये रहा भाई घूम जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप भाई इसके अंदर क्या कॉमन है देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली कॉमन चीज़ है वो है इसकी जैकेट, ठीक है। इसकी जैकेट जो है सबसे पहली चीज़ जो है, इसकी जैकेट जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद मैं हेयर को चुनूंगा, क्योंकि जो हमारा मैक्स बंडल है उसमें जैकेट इतनी बढ़िया नहीं है जितनी अच्छी जैकेट इसकी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जैकेट का जो कलर जो मतलब ऊपरी साइड है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है उस बंडल के मुकाबले, मैक्स बंडल के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद जो आता है फिर इसका आता है हेयर, ठीक है। इसके बाद उसका जो है हेयर आता है, तो देख सकते हो हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। फिर मैं अगर कोई चीज़ चुनूँ तो वो मास्क चुनूंगा, क्योंकि इसका मास्क सबसे ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब ये तो हम बात कर ली कॉमन के बारे में, अब कॉमन में विनर को पिक करूँ तो कॉमन में हमारा गाइस ऑब्वियसली बात है वैनम का जीत रहा है। इसमें कई चीज़ कॉमन है और अच्छी भी है मैक्स बंडल से, पहला शर्ट, दूसरा हेयर, तीसरा मास्क, ठीक है। उसमें खाली पहला हेयर, दूसरी शर्ट, तीसरी पैंट और छोटा वही हमारा शूज़, ठीक है। तो इसमें शूज़ इतने बेस्ट नहीं है, पैंट इतनी बेस्ट नहीं है, तो कॉमन में तो हमारा वो जीत रहा है। अगर हम बात करें डिज़ाइन के बारे में, अब डिज़ाइन में आपको बता दूँ डिज़ाइन किसे कहते हैं, डिज़ाइन एनिमेशन को कहते हैं। देखो तो इसमें एनिमेशन जो है किसी भी तरीके का नहीं निकल रहा है हमारे वैनम के बंडल में, ठीक है, किसी भी तरीके का एनिमेशन नहीं है, सिंपल सा बंडल है। अगर मैं बात करूँ मैक्स बंडल के बारे में, तो मैक्स देख सकते हो इसमें जो एनिमेशन आता है वो देख सकते हो, यहाँ पर मैक्स इसका नेम भी लिख रहा है, ठीक है, मैक्स इसका नेम भी लिख रहा है। तो एनिमेशन तो गाइस ऑब्वियसली बात है हमारे इसमें अच्छा हुआ, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गाइस एनिमेशन आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, और इसका कलर की भी बात करूँ, एनिमेशन में कलर भी आता है, ठीक है। तो कलर आप देख सकते हो, ठीक है, कलर जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को इसका। अगर गाइस मैं एनिमेशन में किसी विनर को पिक करूँ तो मैं मैक्स बंडल करूँगा, ठीक है। वो जो है हमारा गाइस कॉमन में अच्छा है, ये मैं उसमें गाइस कायम अच्छा है भाई, भूल गया मैं,
सो भाई लोग डिज़ाइन में तो हमारा जीत रहा है, जो हमारा मैक्स मेडल डिज़ाइन में जीत जाता है, ठीक है, वो हमारा जीत रहा है गाइस कॉमन में, ये डिज़ाइन में, ठीक है। तो दोनों के जो है पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। अगर गाइस मैं बात करूँ परफेक्शन के बारे में, तो परफेक्शन में सीधी सी बात कहूँगा, वैनम वाला ज़्यादा परफेक्शन है इससे, क्योंकि इसमें मुझे अलग ही दिख रहा है, इसकी जैकेट जो है, उसकी पैंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये मैं अपने ओपिनियन से दे सकता हूँ, और आप इसको ट्राई करें। इस सब क्या देखना पड़ रहा है करके देख सकते हो, ठीक है। वैनम वाला कई गुना परफेक्शन में अच्छा है, इसे लाख गुना अच्छा देख सकते हो, बिल्कुल पूरा परफेक्शन है भाई इस बंडल में। मैं ये नहीं कह रहा जजमेंट के साथ लाएंगे, दिक्कत है, बंडल की बात हो रही है, बंडल ले सो तो पूरा परफेक्ट है भाई। उससे कई गुना अच्छा है मैं बोलूंगा, ठीक है। अब भाई बाकी आपकी मर्जी है, आप किसको जो है लेना चाहते हो, आपके पास तो दोनों बंडल होंगे, दोनों में फ्री में आए थे। अब गाइस अपनी अपनी चॉइस है, अगर मैं विनर पिक करूँ तो मैं विनर तो दोनों को पिक करूंगा, मेरे लिए दोनों बेस्ट है, वो अपनी जगह पे बेस्ट है, ये अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है। तो ज़्यादातर बंडे अभी वही लगाते हैं, उसको बहुत कम बंदे लगाते हैं, क्योंकि विनर तो मैं पिक नहीं करूंगा। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा पसंद है, ठीक है, वैनम वाला। अगर आपको वैनम पसंद है तो #वैनम, अगर वो आपको मैक्स पसंद है तो #मैक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय बाय, टेक केयर।